हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल देव पे। दोस्तों, क्या आप फ्री में स्मार्टफोन जितना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और जो वीडियो का लिंक है उसे देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पाइए फ्री स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा व्हाट्सअप से रिलेटेड काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स एंड अपडेट के बारे में। क्या आप एक व्हाट्सअप यूजर है? क्या आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप यूज करते? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो देर किस बात की, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट्सएप से रिलेटेड काफ़ी एक एक्साइटिंग फीचर्स एंड अपडेट के बारे में। दोस्तों, व्हाट्सएप ने कल रोल आउट कर दिया एक न्यू एक्साइटिंग फीचर रिलेटेड काफी एक एक्साइटिंग फीचर्स एंड अपडेट के बारे में। दोस्तों, व्हाट्सएप ने कल रोल आउट कर दिया है कि न्यू एक्साइटिंग फीचर्स, जहां पे आप अपनी फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी परपोज के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, तो फेसबुक ओन कंपनी व्हाट्सएप ने कल ही आपकी सिक्योरिटी परपोज को और भी सुरक्षित करने के लिए एक न्यू फीचर्स का ऐड किया है, जहां पे आप अपनी फिंगरप्रिंट डाल के अपनी प्राइवेसी को और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे बात करते हैं। दोस्तों, आपको ये फीचर्स की लाभ उठाने के लिए पहले अपनी प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ पे माय ऐप सेक्शन पे आप अपनी ऐप यानी व्हाट्सएप को अप टू डेट करवा लीजिए। और पहले से आपने अपडेट कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। जैसे कि व्हाट्सएप ने एक आर्टिकल में ये कंफर्म किया था कि हमने एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए फेस आईडी और टॉच आईडी का दोनों ऑप्शन पहले से रोल आउट कर चुके थे और अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बारी आ चुका है और एंड्रॉयड यूजर्स को अब से फिंगरप्रिंट स्कैनर का फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इसमें क्या होगा? दोस्तों, आप जैसे प्ले स्टोर में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं फिंगरप्रिंट के लिए और यहाँ पे वो काफ़ी सारे ऐप्स में, आज तो आपको पता होगा आजकल काफ़ी सारे ऐप्स में वायरस आने लगता है, तो आप ये ऑप्शन यूज करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है, ये मैं सोचता नहीं। दोस्तों, इसको इनेबल करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। फिंगरप्रिंट ऐप लॉक का ऑप्शन पाने के लिए आपको पहले अपनी जो व्हाट्सएप है उसको अपडेट करवा लीजिए, वो लेटेस्ट वर्जन में होने चाहिए। और बाद में आपको क्या करना है, अपनी व्हाट्सएप ओपन करना है, ये स्टेप फॉलो कीजिए। पहले व्हाट्सएप को ओपन कर देना है और बाद में व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा थ्री डॉट का, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, उसको चूज करना है। और सेटिंग चूज करने के बाद आपको पहले का ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी नाम का और प्राइवेसी में आप क्लिक कर दीजिए। और प्राइवेसी में आपको क्लिक करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट सबसे नीचे चले जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक का, वो डिसेबल होगा तो उसको इनेबल करवा दीजिए। और वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन होगा, आप इसको 1 मिनट के बाद अनलॉक करना चाहते या इमीडिएटली अनलॉक करना चाहते या 30 मिनट के बाद अनलॉक करना चाहते, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं जो भी आपके लिए सुइटेबल होगा। दोस्तों, ये था कुछ प्रोसीड्यूर्स एंड स्टेप्स अपनी व्हाट्सएप को और भी सुरक्षित रखने के लिए, और एक अच्छा फीचर्स भी था फिंगरप्रिंट का जो कि आपको प्रोटेक्ट करना वाला है थर्ड पार्टी ऐप लॉक से। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपसे अच्छा लगा है और आपने ये वीडियो में कुछ भी हेल्प मिला है और आपने ये स्टेप्स फॉलो करके आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें नीचे कमेंट करना और अपनी दिल की बात बोलना मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग और टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। गुड बाय।